हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे DEE SSB के सिलेबस में न्यूली एडेड टॉपिक है, सेरी कल्चर। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ टॉपिक जो दिए हुए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि सेरी कल्चर है क्या, बायोलॉजी ऑफ सेरी कल्चर यानी यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इसको भी देखेंगे, पेस्ट एंड डिजीज। तो ये सारे टॉपिक जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये यूनिट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, इसके ऊपर जो मैंने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी स्टार्ट किया था, इसमें हमने जो है रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइनोलॉजी, मैंने ये बताया है आपको, जो हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है उसमें जो है करा दूंगी। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन ये हम कर चुके हैं, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन ये भी हो चुका है। बस यहाँ पे रह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, आप मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपको वीडियो ईजिली जो है मिल जाएंगे। सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सब अलग अलग प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप उसको सर्च करके मतलब प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं जो जो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सेरी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको हम देख लेते हैं। देखो, जब बात करते हैं सेरी कल्चर की, तो इसको सबसे पहले याद रखना ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड सेरिकॉस जिसका मतलब होता है सिल्क, और इंग्लिश वर्ड कल्चर जिसका मतलब होता है रियरिंग, यानी सिल्क रियरिंग ही क्या होता है, सेरी कल्चर। अब देखो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सेरी कल्चर इज आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म। ये तो हो गया हमारा कि सेरी कल्चर क्या है। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले याद रखना बॉम्बिक्स मोराई, ये है हमारा सिल्क वॉर्म, और ये सबसे ज़्यादा जो है सिल्क प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो आपसे यही क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड सिल्क वॉर्म क्या है, तो याद रखना बॉम्बिक्स मोराई मोस्ट वाइडली यूज्ड सिल्क वॉर्म है, और इसी को बॉम्बिक्स मोराई को ही मलबरी सिल्क वॉर्म कहा जाता है क्योंकि ये जो है फीड करता है मलबरी के लीव्स पे। तो इतना पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, यानी जो बॉम्बिक्स मोराई है इसके कुछ मतलब ये तो मोस्ट वाइडली यूज होता है लेकिन कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसको याद रखना। जो बॉम्बिक्स मोराई है इसको नीड स्पेशल केयर टू मेंटेन इट्स स्मूथ टेक्चर, यानी इससे जो हम सिल्क जो है ऑब्टेन करते हैं तो इसको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो ये इसका छोटा सा डिसएडवांटेज हो गया, अगर पूछेंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए जो सिल्क होते हैं जो सिल्क प्रोड्यूसिंग वॉर्म होते हैं वो कई सारे होते हैं, जैसे होता है सबसे पहले हमारा तुसर, या फिर इसी को टसर भी बोलते हैं, टसर सिल्क वॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रेसी पैफिया, क्या बोलते हैं एंथ्रेसी पैफिया। और यहाँ पे क्या होता है मुगा सिल्क वॉर्म, देखो जो टसर सिल्क वॉर्म है इससे टसर सिल्क प्राप्त करते हैं, जो मुगा सिल्क वॉर्म है इससे मुगा सिल्क जो है हम ऑब्टेन करते हैं, और इसी मुगा सिल्क को क्या बोलते हैं हम असम सिल्क, क्योंकि ये असम में जो है सबसे ज़्यादा ऑब्टेन किया जाता है, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी रियरिंग जो है की जाती है। तो याद रखना टसर सिल्क वॉर्म को क्या बोलते हैं एंथ्रेसी पैफिया, मतलब यहाँ पे आपसे नॉर्मली ही पूछ सकते हैं कि बताइए टसर सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसको भी आप याद रखना टसर सिल्क वॉर्म एंथ्रेसी पैफिया, मुगा सिल्क वॉर्म एंथ्रेसी असमिन्स, तो इसको याद रखेंगे। और वैसे तो कम चांस है लेकिन बाई दबे अगर पूछेंगे तो याद रखना जो टसर सिल्कवाम है और मुगा सिल्कवाम है ये फैमिली होती है सैटर्निडी, इससे जो है ये रिलेट करते हैं, यानी ये इस फैमिली में रखे जाते हैं। वैसे ये फैमिली वगैरह नहीं पूछेगा लेकिन अगर बाई चांस पूछेगा तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा सेरिकल्चर क्या है, उसके बाद सेरिकल्चर में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज सिल्कवाम है वो है हमारा बॉम्बिक्स मोराई, जिसको हम बोलते हैं मलबरी सिल्कवाम। अब यहाँ पे हमने और भी वॉर्म मतलब सिल्क वॉर्म देखे, जैसे कि टसर सिल्क वॉर्म, मुगा सिल्क वॉर्म और ईरी सिल्क वॉर्म। जो ईरी सिल्क वॉर्म है इसी को हम बोलते हैं फिलोसेमिया रिनिनी, क्या बोलते हैं फिलोसेमिया रिनिनी, तो ये है इसका साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तीन ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है।
अब यहाँ पे देखिए इंसेक्ट एंड होस्ट प्लांट। होस्ट क्या होता है, जैसे देखो बैक्टीरिया होता है ना, वायरस होता है, तो वो क्या करते हैं मनुष्य को, जैसे मान लो बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक किया तो हम बैक्टीरिया के लिए क्या हैं, होस्ट हैं। यानी बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ से प्राप्त कर रहा है, हमसे, यानी हमसे वो फीड कर रहा हम पे, तो हम क्या है उसके लिए होस्ट हैं। ठीक उसी तरह से जो इंसेक्ट होते हैं जिस प्लांट पे वो ग्रो करते हैं, जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे वो फीड कर रहे हैं, वही क्या हो जाता है होस्ट प्लांट। तो अभी हमने देखा जैसे मलबरी सिल्कवाम, टर्सर सिल्कवाम, मुगा सिल्कवाम, तो हमको ये देखना है ये कहाँ पे किस प्लांट पे ग्रो करते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है सबसे पहले मलबरी सिल्कवाम, जो मलबरी सिल्कवाम है इसके नाम से पता है ये कहाँ पे फीड करता है, लीव्स ऑफ मलबरी। तो याद रखना रियर्ड ऑन लीव्स ऑफ मलबरी, रियर्ड ऑन लीव्स ऑफ मलबरी। और यहाँ पे एक वर्ड याद रखना वनली, यानी जो मलबरी सिल्कवाम है इसको केवल और केवल मलबरी के लीव्स पर ही रियर्ड किया जाता है, इसके अलावा कोई भी प्लांट पे ये मतलब रियर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, मोनोफेगस इंसेक्ट। क्या बोल देते हैं, मोनोफेगस इंसेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है मोनोफेगस सिल्कवाम कौन सा है, तो आपको बताना होगा मलबरी सिल्कवाम। कौन सा, मलबरी सिल्कवाम। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, मोनो मीन्स क्या होता है सिंगल, फेगस मीन्स जिसपे फीड करता है, यानी केवल इसके फीड करने के लिए एक ही प्लांट है जिसपे ये फीड करता है, वो है मलबरी लीव्स। तो याद रखना जो मलबरी सिल्कवाम है ये कैसा होता है, मोनोफेगस इंसेक्ट। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो मलबरी लीव सॉरी जो मलबरी लीव्स होता है उसमें एक सबस्टांस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मोरिन। क्या बोलते हैं, मोरिन। और ये जो है इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। अगर आपसे पूछेंगे तो आपको पता होगा। अभी तो हम यहाँ पे केवल पॉइंट वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूँगी जहाँ पे हम इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो जब भी किसी भी एग्जाम में कोई सिलेबस न्यू ऐड होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होते हैं कि वहाँ से सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है वो बहुत मतलब ऐड किए हैं और तुरंत उसमें डीपली घुस जाएं, ऐसा नहीं है, मतलब बेसिक ही पूछते हैं। तो जितना यहाँ पे हम कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है। और ये कंटेंट मैंने कहाँ से रेडी किया है, तो एक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें जो है इसके बारे में डिटेल से दिया था, तो वहीं से मैंने इसको जो है उठाया हुआ है। अब देखो जो टसर सिल्कवाम है ये किस पे रियर किया जाता है, अर्जुन एंड साल के जो ट्री होते हैं उस पे, टसर सिल्कवाम, अर्जुन एंड साल। अब देखो आप सोचेंगे केवल मैंने दो ही क्यों बताया, एक मलबरी एक टसर, इसके अलावा जो वो मुगा सिल्कवाम है और ईरी सिल्कवाम है वो क्या होते हैं, उनके ढेर सारे होस्ट होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछने के चांस हैं नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो चांस है वो है मलबरी सिल्कवाम का, क्योंकि वो मोनोफेगस है। अब देखो बात करते हैं रियरिंग की, तो रियरिंग से लोगों को क्या लगता है कि मतलब केवल उनको फीड कराना, लेकिन ऐसा नहीं है। रियरिंग मतलब केवल लार्वा को फीड कराना नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो याद रखना रियरिंग इंक्लूड फीडिंग ऑफ कैटरपिलर, सबसे पहले मतलब कैटरपिलर को फीड कराना, इसके अलावा केयर फ्रॉम एग लेइंग, यानी जब एग लेइंग होता है तो वहाँ उसका भी केयर करना, अर्ली स्टेज लार्वल केयर, यानी जो मतलब अभी नए नए लार्वा बने हैं उसका केयर करना, लेट स्टेज लार्वल केयर, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कोकून, यानी ये सारे प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं रियरिंग। क्या बोलते हैं रियरिंग, रियरिंग मतलब ये नहीं है कि केवल कैटरपिलर को फीड कराना, ऐसा नहीं है। रियरिंग मतलब क्या है, फीडिंग ऑफ कैटरपिलर यानी उसको फीड कराना, जो एग लाइंग हुआ उसका केयर करना, अर्ली स्टेज लार्वल केयर करना, लेट स्टेज लार्वल केयर करना, और प्रोडक्शन ऑफ कोकून तक क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है रियरिंग। तो याद रखना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो कुछ स्टेप होते हैं रियरिंग के, जिसमें होता है ग्रेनेज मैनेजमेंट। अब इसका एम क्या होता है, ग्रेनेज मैनेजमेंट का एम होता है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ सीड टू रियर्स, यानी जो रियर करते हैं उनको गुड क्वालिटी ऑफ सीड प्रोवाइड करना, किसका एम होता है, ग्रेनेज मैनेजमेंट का। अब ये सीड का मतलब यहाँ होता है एग से, मतलब इसके केस में हम सीड को ही क्या बोलते हैं, एग। तो इसको याद रखना।
अब देखो स्पिनिंग अप कोकून, यहाँ पे मतलब स्पिनिंग अप कोकून, तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, दिस इज द पीरियड व्हेन कैटरपिलर स्टॉप्स फीडिंग, यानी स्पिनिंग अप कोकून में क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जब कैटरपिलर क्या करता है, फीड करना, उसका मतलब फीडिंग करना रुक जाता है एंड स्टार्ट टू सिक्रीट अ पेस्टी सब्सटेंस फ्रॉम सिल्क ग्लैंड। तो देखो मतलब स्पिनिंग आप कोकून में दो पॉइंट सबसे पहले याद रखना, यहाँ पे कैटरपिलर फीड करना रोक देता है और वो स्टार्ट करता है सिक्रीट करना एक पेस्टी सब्सटेंस फ्रॉम सिल्क ग्लैंड। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सिल्क वॉर्म है वहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, तो मान लो वहाँ पे दे देंगे सलाइवरी ग्लैंड या फिर कोई और नाम दे देंगे। तो याद रखना सिल्क वॉर्म में सिल्क ग्लैंड होता है, और ये भी याद रखना ये कितने होते हैं, टू पेयर्स, कितने होते हैं, टू पेयर, तो इसको भी याद रख लेना, बाय द वे पूछेंगे तो आप जो है कर पाएंगे। और क्या है, जो स्पिनिंग आप कोकून होता है ये है लास्ट फेज ऑफ रियरिंग, रियरिंग का ये लास्ट फेज होता है, और स्पिनिंग आप कोकून में कितने दिन लगते हैं, टेक 3 डेज, यानी ये 3 दिन जो है स्पिनिंग आप कोकून में लगता है। अब देखो यहाँ पे पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग, पोस्ट मीन्स क्या होता है, बाद में, कोकून प्रोसेसिंग यानी जो कोकून मिला उसके बाद में हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं। तो देखो ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क का धागा प्राप्त करना ही हमारा क्या है, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक है हमारा स्टिफलिंग, सबसे पहले स्टिफलिंग करते हैं, उसके बाद रीलिंग एंड स्पिनिंग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले स्टिफलिंग और सेकेंड क्या है, रीलिंग एंड स्पिनिंग। देखो जो स्टिफलिंग है, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टिफलिंग क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे और कुछ कुछ वो लिख देंगे, तो आप याद रखना स्टिफलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकून्स, क्या है, प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकून्स, कोकून्स को मारने का जो प्रोसेस है वो होता है हमारा स्टिफलिंग, क्या है, स्टिफलिंग। और इसको क्या किस तरह से करते हैं, यानी जो कोकून है उसको मारने का तरीका क्या है, वे क्या है, तो है सबसे पहले जो गुड साइज्ड कोकून है, क्या है, गुड साइज्ड कोकून है ऑफ 8 to 10 days, जो कोकून बना 8 से 10 दिन हो गया, उसकी जो साइज है वो अच्छी खासी हो गई, तो अब क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे इनटू हॉट वाटर, उसको गर्म पानी में डाल देंगे, उसको स्टीम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सनलाइट में, सन एक्सपोजर फॉर, देखो ये तो हो गया, मतलब सबसे पहले उसको पानी में डाल देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, सन एक्सपोजर फॉर 3 डेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन, यानी जब उसको मतलब सनलाइट में 3 दिन के लिए रखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन। और देखो ये जो है हमारा, मतलब हम इसको हॉट वाटर में रखते क्यों हैं, तो देखो हेल्प इन सॉफ्टनिंग द एडहेसन ऑफ थ्रेड टू सेपरेट फ्रीली, यानी जब कोकून बनता है तो वो मतलब ऐसे उसके अराउंड जो है जो लगा रहता है, तो आपस में चिपका रहता है, तो उस एडहेसन को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि ईजिली जो है थ्रेड को सेपरेट किया जा सके, इस वजह से उसको पानी में डालते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग में क्या है, ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून, जहाँ पे दो प्रोसेस अपनाते हैं, एक है स्टिफलिंग यानी कोकून को मार देना, एक है रीलिंग एंड स्पिनिंग। तो हमने देख लिया कोकून को किस तरह से मारते हैं, क्या तरीका है, सबसे पहले उसको पानी में उबालेंगे अच्छे से, और उसके बाद उसको सनलाइट में 3 दिन के लिए रख देंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन, यानी उसका फ्यूमिगेशन करते हैं। अब देखो रीलिंग एंड स्पिनिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड फ्रॉम कोकून, यानी अब जो वो कोकून है उससे क्या करेंगे, उस थ्रेड को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग एंड स्पिनिंग। तो देखो स्पिनिंग जो होता है, स्पिन करना मीन्स होता है कि चरखी काटना, जैसे आप देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे, मतलब क्या है, आप एक कोई सी छड़ ले लो इस तरह से, जैसे आपने कुछ ले लिया ऐसे, और इसके अराउंड क्या करो, इस तरह से धागे को रैप करो, जैसे आपने रील देखा होगा, अरे ये मोबाइल वाला रील नहीं, जो धागा आता है, तो इस तरह से उस पर रैप होता है, यानी उसको मतलब किसी छड़ के अराउंड रैप करना, उसी को बोलते हैं स्पिनिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं उसको लिखा है, बस बता दे रहे हैं। तो ये हो गया कि पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, इसके आगे देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, अभी हम इसका लाइफ साइकिल जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव पीडीएफ से। तो क्या है डिजीज ऑफ सिल्कवर्म में, आप क्या क्या याद रखेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा डिजीज होता है। सबसे पहले क्या है मैगोट डिजीज, सेकेंड क्या है पेब्रीन, थर्ड क्या है पॉलीहेड्रोसिस, फोर्थ क्या है फ्लैचरी, और फिफ्थ क्या है ग्रीन मस्कार्डिन। तो ये कुछ डिजीज हैं जो कि सिल्कवॉर्म में होते हैं। फ्लैचरीज मीन्स क्या होता है, जेनेटिक नेम ऑफ सम काइंड ऑफ सिल्कवॉर्म डिजीज, यानी जो फ्लैचरी है यहाँ पे कई सारे डिजीज जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो याद रखना, आपसे सिंपल सा पूछ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज फाउंड इन सिल्कवॉर्म, यानी सिल्कवॉर्म में कौन सा डिजीज है, या फिर पूछ लेंगे कौन सा नहीं है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं जो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सिंपली नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर देखो मैगोट डिजीज, मैगोट डिजीज जो है उसका कॉजिंग एजेंट क्या है, यानी वो किसके थ्रू होता है। तो याद रखना ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस, क्या है ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस, ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस क्या है मैगोट डिजीज का कॉजिंग एजेंट, यानी मैगोट डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस। तो इसको याद रखना, पूछा जा सकता है। और ये जो ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस है ये जो है इसको रखते हैं ऑर्डर डिप्टेरा में, ऑर्डर डिप्टेरा आपको पढ़ना है वेक्टर एंड डिजीज वाले में, तो वहाँ पे इसको हम देखेंगे। तो याद रख लेना, वैसे तो चांस कम है लेकिन पूछ भी सकते हैं तो याद रख लेना। अब देखो जो पेब्रीन डिजीज है ये जो है वर्स्ट डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी ये सिल्कवॉर्म का सबसे बेकार सबसे खतरनाक डिजीज है। तो याद रखना पेब्रीन क्या है वर्स्ट डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म बाई, यानी ये किससे होता है, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है नोसेमा बोम्बाइसिस नगेली, क्या है नोजेमा बोम्बाइसिस नगेली, नोजेमा बोम्बाइसिस नगेली, क्या है नोजेमा बोम्बाइसिस नगेली। तो ये है पेब्रीन डिजीज का कॉजिंग एजेंट। मैगोट डिजीज का क्या है ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस, पेब्रीन का क्या है नोजेमा बोम्बाइसिस नगेली। तो ये है इसका कॉजिंग एजेंट, इसको आप याद रखेंगे। अब देखो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे क्या फ्लैचरी, जो फ्लैचरी है उसी के अंतर्गत एक डिजीज आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन मस्कार्डिन, क्या बोलते हैं ग्रीन मस्कार्डिन, ग्रीन मस्कार्डिन ये भी एक डिजीज है जिसको हम बोल सकते हैं स्पाइकेरिया प्रेसिना, स्पाइकेरिया प्रेसिना, और ये है एक प्रकार का फंगल डिजीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है ग्रीन मस्कार्डिन इज अ टाइप ऑफ डिजीज, तो वहाँ पे फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, इस तरह से नाम आपको दे सकते हैं। तो याद रखना ग्रीन मस्कार्डिन क्या है फंगल डिजीज। तो ये है कुछ डिजीज जो कि सिल्कवॉर्म में होते हैं, इसके बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें बहुत कुछ है, मेरे पास पीडीएफ भी है मैं आपको शेयर कर सकती हूँ अगर आप बोलेंगे तो, इसका मतलब बहुत डिटेल में वहाँ पे दिया है, लेकिन हमने वहाँ से वो पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वो हम आगे जो है इसके अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चलिए यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा जो सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है मलबरी सिल्कवॉर्म यानी बॉम्बिक्स मोराई से, तो यहाँ पे हम उसी का लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है हमारा लाइफ साइकिल आप मलबरी सिल्कवॉर्म यानी बॉम्बिक्स मोराई। तो अब देखो द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोराई इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और कलर कैसा होता है पेल क्रीमी वाइट इन कलर। जो बॉम्बिक्स मोराई है यानी मलबरी सिल्कवॉर्म है उसका लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर और कलर होता है पेल क्रीमी वाइट इन कलर। तो याद रखना सिंपल सा, मतलब अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाएंगे तो पूछ सकते हैं ड्यू टू हैवी बॉडी एंड फीबल विंग फ्लाइट इज नॉट पॉसिबल बाय द फीमेल मॉथ। याद रखना ड्यू टू हैवी वेट, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन बनाए कि फ्लाइट इज नॉट पॉसिबल बाय द फीमेल मॉथ, और वहाँ पे रीजन दे देंगे मतलब कुछ भी लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये उड़ नहीं सकते हैं। और ये पॉइंट भी याद रखना मेल फीमेल दोनों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल फीमेल मोथ की बात हो रही है कि ड्यू टू हैवी बॉडी यानी जो फीमेल मोथ है उसकी बॉडी हैवी होती है, फीबल विंग होते हैं, इस वजह से फ्लाइट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है यानी ये उड़ नहीं सकते। दिस मोथ इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर, यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल मोथ अलग होगा फीमेल मोथ अलग होगी, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और जिसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो होता है हमारा बाईसेक्सुअल। तो याद रखना
ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल इन नेचर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड, इसका लाइफ पीरियड जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, 2 to 3 days, यानी 2 से 3 दिन का ही लाइफ पीरियड होता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो ये तो कुछ हो गए जनरल पॉइंट। अब देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है इसकी लाइफ हिस्ट्री में, फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन, तो क्या है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, याद रखना क्या है, इंटरनल, प्रीसीडेड बाय कपलेशन जस्ट आफ्टर इमरजेंस मेल मोथ कपलेशन जस्ट आफ्टर, अरे ये दो बार रिपीट हो गया, जस्ट आफ्टर इमरजेंस मेल मोथ कपलेट विथ फीमेल फॉर 2 to 3 hours, इस पॉइंट को याद रख लेना, 2 से 3 घंटे तक जो मेल मोथ है वो कपलेट करता है फीमेल मोथ के साथ, एंड इफ नॉट सेपरेटेड दे मे डाई आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ कपलेटिंग विथ फीमेल, अगर वो सेपरेट नहीं हुआ तो वो मर सकता है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन के बारे में, जहाँ से सबसे फर्स्ट अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल, तो याद रख लेना इंटरनल, और ये यहाँ पे कपलेशन होता है 2 to 3 hours के लिए, तो ये दो पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अब देखो एग लेइंग की बात करें तो क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन के बाद, जस्ट आफ्टर कपलेशन फीमेल स्टार्ट एग लेइंग, फीमेल क्या करती है स्टार्ट कर देती है एग लेइंग करना विच इज कम्प्लीटेड इन 24 hours, ये 1 to 24 लिखा है, तो याद रखना 24 hours लगते हैं यहाँ पे एग लेइंग को कंप्लीट होने में। वन मोथ लेज, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, देखो वन मोथ लेज 400 to 500 egg, और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब ये है जो जो मोथ है वो 400 to 500 egg क्या करेगी, ले करेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है या फिर हम उसको किस तरह का फूड सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिस पे एग लेइंग डिपेंड करता है। मटेरियल टू कैटल कैटरपिलर फ्रॉम विच द फीमेल मोथ इज ऑब्टेन, ठीक है, द एग लेइंग इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स क्या होता है गुच्छा, यानी जो एग लेइंग है वो गुच्छे के रूप में यहाँ पे होता है, एंड कवर्ड विथ जिलेटिनस सिक्रीशन ऑफ फीमेल मोथ विच हेल्प देम इन प्रॉपर अटैचमेंट, यानी देखो क्या याद रखेंगे आप, जो एग लेइंग होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर यानी गुच्छे के रूप में होता है, और जो है मेल जो फीमेल मोथ होती है वो कुछ जिलेटिनस यानी चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है जिसके थ्रू ये आपस में क्या रहते हैं चिपके रहते हैं यानी प्रॉपर अटैचमेंट के लिए। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट इसमें कितना टाइम लगता है 24 hours, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे वन मोथ लेज 400 to 500 egg, और ये याद रखेंगे कि ये एग लेइंग किस पे डिपेंड करता है कि उसके ये डिपेंड करता है उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे और सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल जो कि हम कैटरपिलर को दे रहे हैं, कैटरपिलर को नहीं फीमेल मोथ को हम किस तरह का फूड सप्लाई कर रहे हैं उस पे ये जो है डिपेंड करता है। अब देखो जब एग लेइंग हो गया तो उसमें क्या होगा हैचिंग, तो एग लेइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हैचिंग, द एग आफ्टर 10 days ऑफ इनक्यूबेशन हैच इंटू अ लार्वा, जिसको हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर, यानी जो एग लेज हुआ है 10 दिन के बाद उसमें क्या होगा हैचिंग होगा, अब इस जो लार्वा है उसको हम क्या बोलेंगे कैटरपिलर। हैचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ सिल्क मोथ्स लाइफ, जो हैचिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है सिल्क मोथ के लाइफ का। आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड, यानी देखो यहाँ से पता क्या क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है कि किस स्टेज में उसको सबसे ज़्यादा फूड सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्या होती है किस स्टेज में सबसे ज़्यादा फूड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो याद रखना कैटरपिलर स्टेज में, कैटरपिलर नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड बिकॉज दे आर वोरेसियस फीडर्स, यानी उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीड कराने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ मलबरी लीफ इज नॉट पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर वुड नॉट बी इन प्रॉपर कोर्स, यानी अगर उसको हम अच्छे अमाउंट में फूड सप्लाई नहीं करा पाएंगे तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है। समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ फूड मटेरियल यंग कैटरपिलर डाई कॉजिंग ग्रेट लॉस टू सेरीकल्चर इंडस्ट्री, यानी समटाइम क्या होता है कि उसको जब मतलब फूड की कमी हो जाती है तो जो
एंग कैटरपिलर है वो डाई हो जाता, वो मर जाता है। इस वजह से सेरिकल्चर इंडस्ट्री में कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इट इज रिकॉर्डेड दैट इन यूनि वैलेंटाइन रेस हैचिंग अप एग लेक्स, ये सब छोड़ो। अब आगे देखो कैटरपिलर के बारे में, यहाँ से क्या क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले द न्यूली हैच्ड कैटरपिलर इज अबाउट 0.3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज पेल येलोइश वाइट इन कलर। तो ये तो हमने देख लिया। कैटरपिलर आर प्रोवाइडेड विथ वेल डेवलप्ड मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, यानी इसका माउथ पार्ट कैसा होता है, मैंडिबुलेट, एडॉप्टेड टू फीड इजली ऑन मलबरी लीव्स। और ऐसा क्यों होता है, ताकि वो मलबरी लीव्स पे इजली जो है फीड कर सके। द कैटरपिलर इज 12 सेगमेंटेड, यानी ये 12 पार्ट में बटा होता है, 12 सेगमेंटेड। जैसे आप देखे होंगे केचुआ, तो उसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट में, इस तरह से सेगमेंट में जो है वो बटी होती है। तो ठीक उसी तरह से ये बोला जा रहा है जो कैटरपिलर होता है वो सेगमेंटेड होता है। आपने वो कैटरपिलर लार्वा तो देखा ही होगा, तो अभी हम देखेंगे। तो वो कुछ ऐसे थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं और उनकी बॉडी जो है इस तरह से सेगमेंटेड होती है। तो कितने सेगमेंट होते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, कितने सेगमेंट होते हैं, कहाँ गया 12 सेगमेंटेड, कहाँ गया, कैटरपिलर इज 12 सेगमेंटेड, क्या है 12 सेगमेंटेड एंड द एब्डोमिनल रीजन हैज 10 सेगमेंट। और यहाँ पे जो इनका एब्डोमिनल रीजन होता है वहाँ पे 10 सेगमेंट होते हैं। हैविंग 5 पेयर्स ऑफ स्यूडो लेग, यानी 5 जोड़ी यहाँ पे क्या होते हैं, स्यूडो लेग यानी फॉल्स फीट। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल डॉर्सल हॉर्न ऑन एनल सेगमेंट, इनके एनल सेगमेंट पे यानी पोस्टीरियर पार्ट पे एक सींग लाइक जो है क्या होता है स्ट्रक्चर, इस तरह से सींग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये तो मतलब कुछ जनरल पॉइंट है, अगर एक बार आप सुन भी लेंगे तो भी आपको पता होगा। अब देखो क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग वेरी मच टेंडर फर्स्ट इंस्टार लार्वा कैन फीड ओनली ऑन वेरी सॉफ्ट लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। जैसे देखो मान लो ह्यूमन बेबी जब बॉर्न होता है तो ये तो है नहीं उसके पैदा होते ही उसको आप दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खिलाने लगते हैं, नहीं ना, उसको क्या हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ सॉफ्ट चीज़ें जैसे कि दूध हो गया, थोड़ा और बड़ा होता तो मतलब ऐसे लिक्विड पदार्थ ही उसको देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब ये कैटरपिलर बना है तो उसके फर्स्ट इंस्टार लार्वा को हम क्या देते हैं, वेरी सॉफ्ट लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट, उसको हम जो मलबरी लीव्स का जो सॉफ्ट लीव्स होता है उसी को मतलब उसको खिलाते हैं। एज दे आर वोरेसियस फीडर दे ग्रो रैपिडली, यानी वो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, इस वजह से क्या होता है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, याद रखना ग्रो रैपिडली बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। विच इज मार्क्ड बाई 4 मोल्टिंग कैटरपिलर, यानी यहाँ पे जैसे देखो जो सांप होता है वो अपना हम बोलते हैं कि केंचूल उतारता है, यानी जो उसकी ऊपर की स्किन होती है उसको छोड़ देता है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी मोल्टिंग होता है, यानी अपनी स्किन को ये 4 बार छोड़ता है, 4 बार चेंज करता है। 4 मोल्टिंग कैटरपिलर गेट चेंज इंटू 2nd, 3rd, 4th, and 5th इंस्टार रेस्पेक्टिवली। इट टेक्स अबाउट 21 to 25 डेज, यहाँ पे कितने दिन लगते हैं, 21 to 25 डेज आफ्टर हैचिंग द फुल ग्रोन कैटरपिलर, यानी जो फुल ग्रोन हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, न्यूली हैच्ड कैटरपिलर, जो न्यूली हैच्ड कैटरपिलर है वो 0.3 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फुल ग्रोन कैटरपिलर क्या है, 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट डेवलप्स सलाइवरी ग्लैंड स्टॉप फीडिंग एंड अंडरगन प्यूपेशन, यहाँ पे जो है ये सलाइवरी ग्लैंड जो है डेवलप करता है, स्टॉप फीडिंग को स्टॉप कर देता है और प्यूपेशन में चला जाता है। द टाइम टेकन फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ कैटरपिलर, जो टाइम लगता है कैटरपिलर को फुल्ली ग्रोथ होने में, एंग टू वेल ग्रोन स्टेज वेरीज विथ रिगार्ड टू टेम्परेचर, यानी देखो मतलब कितने टाइम में जो कैटरपिलर है वो एक फुल्ली मेच्योर कैटरपिलर बन जाएगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, फूड सप्लाई कैसा है और टाइप ऑफ रेस कैसा है, यानी जहाँ पे हम उसको पाल रहे हैं वहाँ का ये सब कंडीशन कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा। वेट ऑफ फुल ग्रोन कैटरपिलर वेरीज फ्रॉम 4 to 6 ग्राम, ये 4 से 6 ग्राम के होते हैं। अब यहाँ पे देखो अभी जो हमने पढ़ा, जो इसका बॉडी होता है वो 12 पार्ट में सेगमेंटेड होता है, जो उसका एब्डोमिनल पार्ट है वो 5 पार्ट में सेगमेंटेड होता है, और इसके पीछे एक टेल, इसके एनल वाले पार्ट पे एक टेल लाइक क्या होता है स्ट्रक्चर होता है एनल वाले पार्ट पे।
तो ये आपको यहाँ पे, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, मतलब यहाँ पे 5 पेयर मतलब 10 कितने क्या होते हैं फॉल्स फीट, यानी ये एक्चुअल में लेग नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन वो पैर की तरह दिखते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं फॉल्स फीट यानी स्यूडो लेग। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो अब देखो हमने क्या क्या देखा इसके लाइफ साइकिल में। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, एडल्ट फीमेल है और एडल्ट मेल है। मेल जो है कपुलेट करेगा इसके साथ में, और जो फीमेल है वो एग ले करेगी, एग ऑन मलबरी लीव्स, एग ऑन मलबरी लीव्स। अब ये देखो ये एग किस फॉर्म में है, क्लस्टर यानी गुच्छे के फॉर्म में है, और ये एग जो है नेस्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कैटरपिलर लार्वा में। अब ये जो है कैटरपिलर लार्वा ये कैसा है, ये फुल्ली मेच्योर है, और ये जो है नहीं एक सेकेंड, ये क्या है हमारा फुल्ली मेच्योर कैटरपिलर है। इसके बाद जो है इसके अराउंड कोकून बनेगा, और जब आप इसको कट करके देखोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लार्वा पड़ा हुआ मिला रहता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो कोकून की प्रोसेसिंग होती है वो इनर टू आउटर होती है या आउटर टू इनर, तो याद रखना आउटर टू इनर होती है, यानी यहाँ पर जो ये कैटरपिलर लार्वा है वो कोकून के अंदर रह जाता है, यानी आउटर टू इनर यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो प्यूपा क्या है, प्यूपा प्यूपा क्या है, द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग एंड मूव आउटवर्ड कॉर्नर एमंग द लीव्स एंड सिक्रीट अ स्टिकी फ्लूइड थ्रू सिल्क ग्लैंड। तो देखो यही हमने बात किया, इसमें क्या होते हैं सिल्क ग्लैंड होते हैं जिसके थ्रू ये कुछ स्टिकी फ्लूइड को सिक्रीट करती है। द सिक्रीट फ्लूइड कम्स आउट थ्रू स्पिन रेट, स्पिन रेट क्या है जहाँ पे हम उसको रखते हैं, किसको रखते हैं जो लार्वा है, अनैरो पोर सिचुएटेड ऑन हाइपोफेरिंग्स एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क विच हार्डन्स अराउंड द बॉडी ऑफ कैटरपिलर इन द फॉर्म ऑफ कवरिंग कॉल्ड एज कोकून। हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा फुल्ली मेच्योर कैटरपिलर है वो कुछ अपने सिल्क ग्लैंड से कुछ स्टिकी फ्लूइड क्या करता है सिक्रीट करता है, और उसके अराउंड वो जो है क्या कर लेते हैं हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, जिसको हम बाद में क्या बोल देते हैं कोकून, क्या बोल देते हैं कोकून। अब ये कोकून क्या है ये हमको देखना है, कोकून इज अ वाइट कलर्ड, क्या है वाइट कलर्ड बेड ऑफ प्यूपा हुज आउटर थ्रेड्स आर इररेगुलर व्हाइल द इनर थ्रेड आर रेगुलर, यानी जो आउटर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं होती थ्रेड में, लेकिन अंदर से ये रेगुलर होते हैं। द लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस थ्रेड सिक्रीटेड बाई अ कैटरपिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोकून इज अबाउट 1200 meter विच रिक्वायर 3 days टू कम्प्लीट, इसमें कितने दिन लगते हैं 3 days। द थ्रेड आर बाउंड अराउंड द कोकून इन कंसेंट्रिक मैनर, कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमने एक क्या बनाया सर्कल, तो इसका क्या होगा एक सेंटर, और इसी सेंटर से हमने क्या बनाया एक और क्या बनाया सर्कल, और इसी सेंटर से एक और सर्कल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कंसेंट्रिक, यानी जिसका सेंटर सेम हो। तो ठीक इसी तरह से क्या लिखा है, जो कोकून बाउंड होता है वो कंसेंट्रिक मैनर में होता है, यानी उसका सेंटर सेम होता है, उसी के अराउंड वो घूमता रहता है। बाइंडिंग ऑफ थ्रेड राउंड द कोकून इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्विक गोइंग फेनामिना अचीव्ड बाय द कॉन्स्टेंट राउंड मोशन ऑफ हेड ऑफ कैटरपिलर फ्रॉम वन साइड टू अदर एट द रेट ऑफ 65 times per minute, यानी पर मिनट, एक मिनट में 65 times वो क्या करता है बाउंड करता है उसको, मतलब उसके अराउंड घेरा बनाता है। नाउ द सिल्क वॉर्म प्यूपा इज कवर्ड विथ अ थिक ओवल वाइट और येलो सिल्क एंड कोकून, इट इज इस्टीमेटेड फ्रॉम द डाटा ऑब्टेंड बाई प्रैक्टिकल अप्लीकेशन दैट 1 pound ऑफ सिल्क कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम, यहाँ पे क्या है 2500 कोकून्स, यानी 2500 कोकून ऑब्टेंड, मतलब 2500 कोकून से क्या किया जाता है 1 pound सिल्क ऑब्टेंड किया जाता है। तो ये सब तो बिल्कुल कहानी की तरह था, किसमें कितना वो लगता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब तो हमने देख ही लिया। अब देखो लास्ट क्या है यहाँ पे, सिल्क, सिल्क इज पेस्टी सिक्रीशन ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क ग्लैंड, सिल्क क्या है पेस्टी सिक्रीशन है सिल्क वॉर्म के द्वारा, जो कि सिल्क ग्लैंड से क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है। द सिल्क ग्लैंड इज एक्चुअली मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड,
यानी ये एक्चुअल में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता, लेकिन उसी का मॉडिफाइड रूप होता है, विच आर लॉन्ग एंड सैक लाइक। एज दिस पेस्टी सिक्रीशन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, इट बिकम हार्ड एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड प्लाएबल सिल्क स्टैंड, यानी जब ये हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है। दिस सिक्रीशन फॉर्म्स टू कोरा फाइब्रोइन, यानी यहाँ पे टू कोर होते हैं फाइब्रोइन के, अ टफ इलास्टिक इनसॉल्वल प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ फाइबर्स वेट, ऐसा तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा, सीमेंटेड टुगेदर विथ सेरिसिन फ्रॉम द मिडल रीजन ऑफ सिल्क ग्लैंड एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन, एंड अ जिलेटिनस प्रोटीन विच इज एसेंशियल सॉल्वेंट इन वार्म वाटर, सम क्वांटिटी ऑफ वैक्स आर कैनोटिक पिगमेंट आर आल्सो डिटेक्टेड। ये सब छोड़ो, यहाँ से एक पॉइंट याद रख लेना, ये जो फाइब्रोइन है और सेरिसिन है, क्या है, फाइब्रोइन और सेरिसिन, ये दो प्रकार के यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, तो इसको याद रख लेना अगर पूछेगा फाइब्रोइन और सेरिसिन, तो ये क्या होते हैं, जिलेटिनस, ये मतलब एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो, वैसे तो ये मतलब नहीं दिया है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है सिल्क का, बट एक बार देख लो क्या क्या है। रॉ सिल्क इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वोवन मटेरियल, किसमें किसमें, प्रिपरेशन ऑफ गारमेंट में, पैरासूट में, पैरासूट कॉर्ड में, फिशिंग लाइन में, सीप फॉर फ्लोर मिल्क, या फिर इंसुलेशन कॉइल फॉर टेलीफोन, वायरलेस रिसीवर, टायर्स ऑफ रेसिंग कार, फैब्रिक्स फॉर गारमेंट इन वेरियस बीप्स, प्लेन्स, ट्विल्स, स्टेन, क्रीप, जॉर्जेट, वेलवेट, नीटेड गुड्स सच एज वेस्ट, ग्लोव्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क, सिल्क से क्या क्या बनाए जा सकते हैं, सिंपल सा। और ये है सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, अगर मतलब वहाँ पे दिया तो नहीं है सिलेबस में, पर अगर बाय द वे पूछेगा तो एक बार केवल पढ़ लो बस, क्या है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटका में, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, बरहमपुर यानी वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रांची में, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटका। तो ये कुछ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखो हमने यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल यहाँ से अच्छी तरह से देख लिया, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कितने स्टेज होते हैं, तो स्टेज कितने होते हैं, लार्वा हो गया, कैटरपिलर, प्यूपा, कोकून, ये मतलब ये कुछ यहाँ पे चार स्टेज होते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं, एक सेकेंड रुकना, जस्ट वेट। देखो यहाँ से हमने जो है सेरिकल्चर के बारे में देखा, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट यानी मलबरी सिल्क वर्म, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो इसके बारे में, एक बार केवल रीडिंग लगा लो। फिर देखो ये है टसर सिल्क वर्म, जहाँ पे ये इसके बारे में लिखा है, फिर क्या है मूगा सिल्क वर्म, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये है हमारा ईरी सिल्क वर्म, पढ़ लो इसके बारे में, अगर पढ़ना हो पॉज करके इसको भी पढ़ लो। फिर ये है मूसेल सिल्क वर्म, जिसको हम सी सिल्क भी बोलते हैं, ये है स्पाइडर सिल्क, केवल नाम याद रख लो, यहाँ से वैसे नहीं पूछेगा। होस्ट प्लांट ऑफ टसर सिल्क वर्म, अब देखो यहाँ पे हमने अर्जन एंड साल देख लिया, और मलबरी सिल्क वर्म का मलबरी हो गया, और मूगा सिल्क वर्म का अगर आप देखेंगे तो देखो इतने सारे होस्ट हैं, इस वजह से मैंने नहीं बताया, यहाँ पे बोगोरी हो गया, बोम्बलोटी हो गया, पतिहुंडा हो गया, पंचापा हो गया, गामरी हो गया, गनसरई हो गया, ये तो यहाँ पे इसके बहुत सारे होस्ट प्लांट हैं, तो इसमें से हम क्या क्या याद रखेंगे, चंपा हो गया, बोजरामोनी हो गया, तो ये बहुत सारे यहाँ पे इसके होस्ट प्लांट हैं, इस वजह से मैंने नहीं बताया, अगर आपको मन हो तो एक बार देख सकते हो। और होस्ट प्लांट ऑफ ईरी सिल्क वर्म भी बहुत सारे हैं। और अगर हम बात करें डिजीज़ की, तो डिजीज में डिजीज़
ये देखो डिजीज में क्या है, सबसे पहले मैगट डिजीज है, इसके बारे में भी दिया है, मतलब पूरी तरह से दिया है अच्छे से कि किस तरह से ये क्या करता है जो मतलब ये डिजीज उसके अंदर में सिल्कवर्म में, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया है। वैसे यहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में घुस के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो भी पूछेंगे जनरल क्वेश्चन बहुत करेंगे डिजीज के नाम से या लाइफ साइकिल के स्टेज से या मतलब जो मैंने आपको टाइमिंग वगैरह बताया वो सब यहाँ सबसे क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो पेब्रिन डिजीज है, वर्स्ट डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, अब ये किस तरह से क्या क्या होता है ये भी यहाँ पे लिखा है, ये देखो उसके बारे में इतना सारा कुछ लिखा है कहानी पूरा, ये सब मतलब ये सब उसके प्रोसेस हैं कि किस तरह से वो डिजीज होता है। और देखो पॉलीहेड्रोसिस जो मैंने आपको बताया, केवल मैंने नाम बताया, और इसमें भी क्या है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस, इंटेस्टाइनल साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस और इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस, तो ये किस तरह से इसको अफेक्ट करते हैं इसके बारे में भी देखो पूरी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहो रीडिंग लगा सकते हो, मैंने जितना बता दिया उतना मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो अब जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।